सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, पोको ने आज इंडिया में अपना पोको एम सीरीज का पोको एम थ्री लॉन्च कर दिया है, जिसमें बताया जाएगा कि ये फोन पोको एम टू का एक सक्सेसर वर्जन देखने को मिल जाता है। हालांकि ये फोन आपको 2020 में ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका था, लेकिन यहाँ में फिर भी आपको इंडिया में ये फोन देखने को मिल जाता है और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है और डिजाइन वाइज आपको बहुत ही अलग तरह का ये फोन देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम इस फोन की पहले डिस्प्ले की बात करें तो पोको M3 में आपको जो डिस्प्ले मिलती है 6.53 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और बताना चाहूंगा यहाँ पे पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बताया जाएगा जो पोको M2 में जो डिस्प्ले देखने को मिली थी वैसी सेम यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ आपको जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जो बताया जाएगा वन प्लस का जो एक नया वाला फोन आया था जो साइबर पंक एडिशन के साथ में देखने को मिलता था, वैसा ही सेम डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डिजाइन वाइज आपको ये फोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, हालांकि डिस्प्ले में कोई आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, बताएंगे यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये 11 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक ट्रेस में आपको एड्रिनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू पोको M2। हालांकि यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सारे गेम्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और आप HD ग्राफिक्स में आप खेल सकते हो इस गेम को। फौजी जैसे गेम और पबजी जैसे गेम भी यहाँ पे आप आसानी से खेल सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, बताएंगे पोको M3 में आपको इंडिया में जो वेरियंट देखने को मिलता है उसमें आपको 6GB की रैम आपको LPDDR4x वाली रैम देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दूसरा आपको 128GB वाला वेरियंट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि पोको M2 में आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत ही कमाल का आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू पोको M2। तो रैम और स्टोरेज में भी आपको थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे की, बताएं तो रियर में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है जो f1.9 एपर्चर के साथ में देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन LED देखने को मिल जाती है, 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे कैमरा में मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइमरी लेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू पोको M2, क्योंकि जो पोको M2 में आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो पोको M2 में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिला था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। बाकी जो दो कैमरा आपको मिलते हैं वो इसकी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको 48 मेगापिक्सल के साथ में आपको कैमरा मिलता है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, इससे आप अच्छी खासी फोटो खींच सकते हो डिसेंट वाली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.05 एपर्चर का देखने को मिल जाता है HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी कैमरा में आपको जो फीचर्स आपको पोको M2 में जो देखने को मिले थे वैसे सेम फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की मेन हाइलाइटिंग फीचर्स की, तो इसमें बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको 6000mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसमें आपको 22.5W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स, लेकिन ये आपको बता देंगे ये फोन आपको सिर्फ 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 पोको लॉन्चर के साथ में आपको एक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी बैन चाइनीज एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़े बहुत एड्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। हालांकि जो पोको M2 था उसमें 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बैटरी में कंपार्टमेंट में आपको बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अभी स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएंगे यहाँ पे आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, पोको M2 में आपको रियर माउंटेड देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी खासी आपको बताएंगे लेटेस्ट आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है।
टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में सारे सेंसर और सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं अभी स्मार्टफोन के कलर एंड प्राइस की, यहाँ पे आपको तीन अलग अलग कलर बैंड देखने को मिल जाता है, येलो, ब्लू और ब्लैक, ये तीन अलग अलग कलर बैंड देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो पोको M2 की जो बेस वेरिएंट की प्राइस थी 11,000 रुपीज, वही सेम प्राइस में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। और दूसरा जो 128G वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस भी आपको 12,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोन की प्राइस है वो दोनों में आपको पोको M2 की जो प्राइस थी वैसे ही सेम प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो इसकी सेलिंग है वो 9th February को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंपैरिजन की बात करो तो यहाँ पे जो पोको M3 जो लॉन्च किया है वो बताना चाहूंगा, जो पोको जो ग्लोबली जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो उसमें बताऊंगा 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिला था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको 6GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे जो ग्लोबली जो फोन लॉन्च हुआ था उसमें भी आपको 11,000 की प्राइस में देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे भी आपको 11,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे है कि इस वक्त रैम वेरिएंट बहुत ही अच्छे खासे और थोड़े बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई 4G वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिलता। बाकी बात करें डिस्प्ले, तो डिस्प्ले को इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल जाता है। बाकी बात करूँ कैमरा सेक्शन की, तो कैमरा में यहाँ पर सेल्फी कैमरा कोई भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो रियर कैमरा है उसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। बाकी जो फीचर्स है उसको मिला के हम देखें तो प्राइस बहुत ही अच्छी है, जस्टिफाई कर सकते हैं स्मार्टफोन को, तो ये बहुत ही कमाल का है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको पोको M3 कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।